नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूं दरभंगा की आम खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन, हेडलाइन के प्रायोजक हैं। अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन हॉली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरिया सराय दरभंगा, CBSE कैरिकुलम न्यू दिल्ली के आधार पर। यहां कक्षा प्री से दसवीं तक की पढ़ाई होती है। हमारा मोटो स्पेशली बच्ची को ऑलराउंड डेवलपमेंट इन एनी एक्टिविटी और कंपटीशन पर है। तो आज ही आए हॉली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर दरभंगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी उपलब्ध है हर एक चौक चौराहे के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन चालू है 2020 से 21 के लिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर 9431219670, दूसरा 9534600078, तीसरा 9297907777। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। डॉक्टर सुनील कुमार दुबे पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। प्रिंटिंग की दुनिया का ऑल इन वन सॉल्यूशन MS ग्राफिक्स। जी हाँ, यहाँ प्रिंटिंग से संबंधित सारे कार्य एक जगह उपलब्ध है, जैसे कि फ्लेक्स प्रिंटिंग, वेनाइल, लाइट बोर्ड, वन वे विजन, विजिटिंग कार्ड, सर्टिफिकेट, ID कार्ड, कैलेंडर, हैंडविल, पैम्पलेट्स आदि। प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के लिए रिक्शा भी उपलब्ध है। तो है ना ऑल इन वन सॉल्यूशन MS ग्राफिक्स। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता सुभाष चौक नियर ली शोरूम। हमारा मोबाइल नंबर है 8409180860, दूसरा 6200851973। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रखंड के 4 पंचायत का चयन। फलेरिया जांच का लैब टेक्नीशियन को 1 दिवसीय प्रशिक्षण। LNMU कुलपति की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम तथा स्व अधिगम सामग्री तैयारी हेतु विचार विमर्श। इलाहाबाद बैंक लहरियासराय शाखा परिसर में वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम हस्ताक्षर अभियान तथा धरना। दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव की शुरुआत बॉलीवुड कलाकार संजय मिश्रा एवं प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा। ओमेगा स्टडी सेंटर में ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2020 का आयोजन 16 फरवरी को। अब खबरें विस्तार से। इंडिया रिटायरीज स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर दरभंगा जिला बैंक रिटायरीज यूनियन के द्वारा इलाहाबाद बैंक लहरियासराय शाखा परिसर के सामने वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान तथा धरना दिन के 11 बजे किया गया। मुख्य मांगे, पहला, बैंक में जमा राशि की बीमा रुपया 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों को जमा पर न्यूनतम 9% ब्याज दिया जाए। तीसरा, फैमिली पेंशन RBI सरकारी पेंशनों के अनुरूप किया जाए। चौथा, पेंशन का अपडेटेशन RBI फॉर्मूला अनुसार अविलंब किया जाए। पेंशन योजना बैंकों में 25 वर्ष पहले लागू हुआ पर आज तक कभी भी अपडेशन नहीं किया गया। पांचवा, ग्रामीण बैंकों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1/11/1993 से पेंशन लागू किया जाए। छठा, स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम पर ST 18% से घटाकर 0%। जिला फलेरिया नियंत्रण इकाई दरभंगा की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में आज शुक्रवार को फलेरिया जांच का लैब टेक्नीशियन को 1 दिवसीय प्रशिक्षण जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप कुमार ने किया।
डॉक्टर दिलीप कुमार ने फलेरिया बीमारी के कारण उपचार और जांच से संबंधित जानकारी दी। मौके पर प्रशिक्षण ले रहे लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने बताया कि फलेरिया संभावित क्षेत्रों में रात में जाकर मरीजों का जांच के लिए ब्लड स्लाइड लेना है। फलेरिया के परिजीवी रात में ही एक्टिव होते हैं, इसलिए इसका ब्लड सैंपल रात को ही लिया जाता है। इस मौके पर वीवीडी सलाहकार बब्बन प्रसाद ने बताया कि फलेरिया संभावित क्षेत्र सदर बहादुरपुर सिंहवाड़ा नगर निगम 3 हायाघाट हनुमान नगर वार्ड नंबर 4 केवटी प्रखंड के गांव को चिन्हित कर फलेरिया संभावित मरीजों का रक्त पट संग्रह करने हेतु ट्रेनिंग दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं प्रति कुलपति प्रोफेसर जय कुपाल अध्यक्ष, छात्र कल्याण डॉक्टर रतन कुमार चौधरी एवं विभिन्न विभागों के संसाधनों एवं विभाग अध्यक्षों की उपस्थिति में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय कार्यक्रम के पाठ्यक्रम एवं स्व अधिगम सामग्री तैयार करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह विचार किया गया है कि विश्वविद्यालय अंतर्गत जो पाठ्यक्रम की पुस्तक वस्तु है उसको ही ODL माध्यम के स्व अधिगम सामग्री में परिवर्तित किया जाएगा। ऑल इंडिया रिटायरीज स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर दरभंगा जिला बैंक रिटायरीज यूनियन के द्वारा इलाहाबाद बैंक लहरियासराय शाखा परिसर के सामने वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान तथा धरना दिन के 11 बजे किया गया। मुख्य मांगे, पहला, बैंक में जमा राशि की बीमा रुपया 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों को जमा पर न्यूनतम 9% ब्याज दिया जाए। तीसरा, फैमिली पेंशन RBI सरकारी पेंशनों के अनुरूप किया जाए। चौथा, पेंशन का अपडेटेशन RBI फॉर्मूला अनुसार अविलंब किया जाए। पेंशन योजना बैंकों में 25 वर्ष पहले लागू हुआ पर आज तक कभी भी अपडेशन नहीं किया गया। पांचवा, ग्रामीण बैंकों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1/11/1993 से पेंशन लागू किया जाए। छठा, स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम पर ST 18% से घटाकर। गंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव की शुरुआत बॉलीवुड कलाकार संजय मिश्रा एवं प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वड़वड़े के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद संजय मिश्रा की फिल्म गढ़वी की स्क्रीनिंग की गई। इस फेस्टिवल के मुख्य अतिथि रहे संजय मिश्रा ने फेस्टिवल को लेकर के आयोजकों के प्रयास को काफी सराहा, जिसमें वे फेस्टिवल निर्देशक मिराज सिद्दीकी के फिल्म को लेकर के जागरूकता की दिशा में काम करने को लेकर के काफी प्रशंसा की। उन्होंने समाज के लोगों, फिल्मकारों और सरकार से यह भी अपील किया कि छोटे शहरों में ऐसे कार्यक्रम के होने से जगह का उत्थान होता ही है, साथ ही विश्व स्तर पर उसकी पहचान बनती है और उभरते कलाकारों के लिए बड़ा अवसर खुल जाता है। मिथिलांचल में प्रतिभा को खोजने के लिए ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2020 का आयोजन 16 फरवरी 2020 को किया जा रहा है, जो CBSE ICSE बोर्ड से पढ़ रहे कक्षा 6वीं से 9वीं तक की छात्र छात्राओं को निशुल्क अपनी तैयारियां करने और ढेरों अन्य पुरस्कार जीतने का बेहतर मौका भी देगा। इसी संबंध में जानकारी देते हुए संस्थान के डायरेक्टर सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि बड़े महानगरों एवं कोटा आदि जैसे जगहों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ बेस्ट फैकल्टी टीमों के द्वारा मिथिलांचल के छात्रों को दरभंगा में तैयारी करवाने के लक्ष्य के साथ ओमेगा स्टडी सेंटर हमेशा प्रयासरत रहा है और पिछले सालों में परिणाम भी इसका साक्षी है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।